सो ही देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन ब्लैक सीरीज। तो पिछले एपिसोड में हमने कैप्चर किया था यूनोवा के थर्ड लेजेंडरी ड्रैगन पोकेमॉन यानी कि क्यूरम को, विच वॉज सरप्राइजिंगली इजी एंड होपफुली हम इसी स्ट्रीक को कंटिन्यू रख पाए बिकॉज आज हम कैप्चर करने जा रहे हैं एक मिथिकल पोकेमॉन विक्टिनी को। पर विक्टिनी का केस इन गेम्स में थोड़ा सा अलग है क्योंकि विक्टिनी को इन गेम्स में एज अ इवेंट एक्सक्लूसिव पोकेमॉन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और करंटली इन गेम्स में एक विक्टिनी को ऑब्टेन करने के लिए आप सिर्फ दो ही मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से पहला तो है सीधा चीट्स का इस्तेमाल करना जो कि मैं डेफिनेटली नहीं करूंगा, एंड सेकंड है एक्शन रिप्ले से उस इवेंट को फिर से एक्टिवेट करना। सो एज यूजुअल मैंने एक्शन रिप्ले की मदद से उस इवेंट को फिर से एक्टिवेट किया है, जिसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कैस्टिलिया सिटी में। बट उससे पहले एज यू कैन सी मैंने टीम में वापस से जैप को ऐड कर दिया है और ऑरेंज को वापस से शिफ्ट कर दिया है पीसी में बिकॉज मैं जैप की ट्रेनिंग करवाना चाहता था क्योंकि हम उसे मेनली यूज करेंगे एलीट फोर के अगेंस्ट, ना कि किसी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को। और साथ ही साथ जैप के पास एक स्टेटस कंडीशन मूव यानी कि थंडर वेव है जो कि काफी हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए। सो मैं जल्दी से जैप को फ्रंट में स्विच कर लेता हूँ और सीधा चलते हैं कैस्टिलिया सिटी, जहाँ पर हम काफी टाइम से नहीं गए हैं। तो इस सिटी में हमें डायरेक्टली जाना पड़ेगा पोकेमॉन सेंटर के अंदर और वहाँ पर हमें मिलेगा एक बंदा जो कि हमें देगा लिबर्टी पास। तो चलो चलते हैं सीधा अंदर, एंड एज यू कैन सी हमारे लेफ्ट में खड़ा है एक डिलीवरी मैन जो कि हमें देगा एक लिबर्टी पास और इसी से हम जा पाएंगे लिबर्टी आइलैंड और कैप्चर कर पाएंगे विक्टिनी को। सो चलो चलते हैं सीधा फेरी की तरफ जो कि हमें देखने मिलेगी एकदम राइट लेफ्ट साइड की एंडिंग में। भाई मैं कंफ्यूज हो गया था, सो वी जस्ट हैव टू गो टू द लेफ्ट और फिर हम वहां से लेंगे एक फेरी जो कि हमें लीड करेगी लिबर्टी सिटी की तरफ। सो लेट्स जस्ट क्विकली गो एंड ये रही हमारी फेरी। लेट्स टॉक टू दिस डूड एंड यस आई हैव द लिबर्टी पास। तो चलो चलते हैं लिबर्टी गार्डन और दिस रियली लुक्स कूल और ये इवेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें हमें ना सिर्फ डायरेक्टली विक्टिनी मिल रहा है बट साथ ही साथ इसमें एक थोड़ी सी स्टोरी भी है जो कि इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है बिकॉज वी हैव द FBI एजेंट यहाँ पर एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक टीम प्लाज्मा का मेम्बर है एंड देयर इज ऑल्सो वन अनदर देयर। सो एज यू कैन सी चलो इससे बात करके देखते हैं। दिस ऑफिसर्स पोकेमॉन कुडंट स्टैंड अप टू देम दैट ब्लास्टेड टीम प्लाज्मा। ओके तो एज यू कैन सी यहाँ पर टीम प्लाज्मा के कुछ मेंबर्स है, हम डेफिनेटली इन्हें स्किप कर सकते हैं विच इज़ क्वाइट ईजी एंड लगता है कि हम इस डूड को भी स्किप कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा ही इन्हें स्किप करने की बट लगता है कि टीम प्लाज्मा इज अप टू समथिंग रियली बैड, तो शायद हमें यहाँ पर इस भाई से बैटल करनी ही पड़ेगी। सो लेट्स सी कि आखिर इसके पास कौन से पोकेमॉन्स हैं एंड ओके डेफिनेटली ये भी विक्टिनी को ही कैप्चर करने के लिए आए हैं। सो विल सी कि आखिर क्या ये विक्टिनी को कैप्चर कर पाते हैं या फिर नहीं। एंड ही हैज़ वन पोकेमॉन, आई बेट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ओके सैंडाइल भाई लेवल 18, लाइक सीरियसली लेवल 18, वी हैव पोकेमॉन्स ऑफ लेवल 70 एंड ऑल, तो ये कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, इन्हें हराना इट्स वेरी ईजी। सो जल्दी से इसे हरा देते हैं एंड ओ अ क्रिटिकल हिट, भाई जब ज़रूरत होती है ना तब क्रिटिकल हिट नहीं मिलती एंड नाउ वी आर गेटिंग द क्रिटिकल हिट्स। ओके दैट वाज इजी, इजी एज हेल। नाउ लेट्स जस्ट गो इन और देखते हैं कि आखिर टीम प्लाज्मा यहाँ पर क्या प्लान कर रही है। आई थिंक मुझे इससे बात करनी चाहिए बिकॉज ही इज़ गोना टेल अस समथिंग। इट मेक्स मी फील बेटर नोइंग दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर लाइक यू, वुड यू लाइक हेल्प माय हीलिंग योर बुक। ओके ठीक है, हील करके दे रहा है, ओके नाइस। सो चलो चलते हैं डाउन एंड आई थिंक यहाँ पर एक और बैटल होगी। लेट्स सी कि इसके पास भी कौन सा पोकेमॉन है। आई एम श्योर कि ये भी कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, विल सी अबाउट दैट। तो ओके इसके पास दो पोकेमॉन्स है विच इज़ गुड एंड इट्स अ पैटरैट, भाई लेवल 17, वाओ वाओ लेवल 17। लेट्स गो फॉर अनदर क्रंच और जल्दी से इसे ख़त्म कर देते हैं एंड भाई जल्दी हो, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होता जा रहा है गेम नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट इज़ अ स्क्रैगी एंड इसे भी मैं वन शॉट ही करने वाला हूँ क्वाइट ईजिली, बट मुझे डेफिनेटली बाकी पोकेमॉन्स की थोड़ी सी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि वी आर रियली क्लोज। आई मीन जैसे ही हम इन लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को कैप्चर कर लेंगे हम सीधा चैलेंज करेंगे एलीट फोर और फिर चैम्पियन को एंड देन विल फाइनली एंड द गेम।
विच इज वेरी सून। तो चलो चलते हैं इस रूम के अंदर। एंड ओ भाई, यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। द वन हु ऑब्टेन्ड द पोकेमॉन इज सेड टू बी विक्टोरियस इन एनी टाइप ऑफ कंपटीशन। वी कैन ऑब्टेन अ पावर दैट कुड मेक अस इनविंसिबल। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मिथिकल पोकेमॉन विक्टिनी। दिस इज अ सीक्रेट रूम मेंट टू हाइड विक्टिनी। 200 years ago, a certain rich person brought this entire island and hid Victini in this underground room. After that, no one saw Victini, and it became a mythical Pokemon. We, Team Plasma, will liberate Victini from this room and use its power to make our goals a reality. We won't let a brat like you get in our way. Okay, bhai, kuch zyada hi bade promises lag rahe hai, but... I'm sure he will be also really very weak. It looks like I underestimated your strength, but Victini won't be so simple. Looks like it's waiting to test your strength. You'd better get ready. And okay, here we go, finally. We are against Victini and देखते हैं कि क्या हम इसे कैप्चर कर पाते हैं या फिर नहीं। वेल, विक्टिनी से रिलेटेड एक चीज़ काफ़ी इजी है एंड अमेजिंग भी, कि अगर हम इस पोकेमॉन को गलती से फेंड भी कर देते हैं तो वी कैन जस्ट री एंटर द रूम और विक्टिनी वहाँ पर हमारा फिर से इंतज़ार करता रहेगा, विच इज़ गुड। तो मैं कोई मूव से हमला करके इसे रिस्क नहीं लेना चाहता, सो आई एम जस्ट गोना गो एंड थंडर वेव इट और फिर हम इस पर चेक इन करेंगे थोड़े से टाइमर बॉल, देखते हैं कि क्या हम इसे एक बॉल में कैप्चर कर पाते हैं या नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ दी अल्ट्रा बॉल्स। सो लेट्स गो एंड देखते हैं। ओके, वी हैव 12 क्विक बॉल्स, तो होपफुली हम इसे कैप्चर कर पाए पहले ही क्विक बॉल में। और अगर ऐसा हो गया देन इट विल बी रियली क्रेजी। बट नहीं भाई, ऐसा कैसे हो गया? आई मीन वॉल्कोरोना को तो हमने ऐसे काफ़ी ईजिली कैप्चर कर लिया था सिर्फ एक ही बॉल के अंदर विदाउट एनी स्टेटस कंडीशन, विच वॉज इनसेन। बट लगता है कि विक्टिनी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कैप्चर करना विक्टिनी को। सो आई एम जस्ट गोना थ्रो सम अल्ट्रा बॉल्स एंड होपफुली ये कम से कम बॉल्स में हम इसे कैप्चर कर ले। लेट्स गो भाई, एक भी शेक नहीं हुआ, एक शेक तक नहीं हुआ। एंड आई एम रियली स्केयर्ड टू किल दिस पोकेमॉन बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं किसी भी मूव का इस्तेमाल करता हूँ मेरा सबसे कम लेवल का पोकेमॉन भी इसे वन शॉट कर सकता है। सो इट्स क्रेजी डिफ़िकल्ट। तो आई थिंक हमें बस बॉल्स ही थ्रो करने पड़ेंगे एंड लेट्स होप ये भाई अंदर रहे। एंड ही डेफिनेटली विक्टिनी इज़ लाइक समथिंग डिफरेंट, क्योंकि भाई उसे पैरालाइज किया है फिर भी वो हर एक मूव को हिट करता जा रहा है। 5 minutes later. फाइनली ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसे कैप्चर कर लिया है। मैंने काफ़ी सारे बॉस को ट्राई किया, अलग अलग बॉस को, ना सिर्फ अल्ट्रा बॉल बल्कि ग्रेट बॉल, नॉर्मल पोके बॉल और एक टाइमर बॉल को भी ट्राई किया था, बट इट डिडेंट वर्क। बट फाइनली मैंने उसे एक अल्ट्रा बॉल में कैप्चर कर लिया, विच इज़ गुड। एंड मैं डेफिनेटली इसे निकनेम तो नहीं दूंगा, बट विद दैट फाइनली वी कॉट विक्टिनी। लिविंग विद विक्टिनी मीन्स एक्सेप्टिंग विक्टिनीज़ क्रूएल डेस्टिनी। Someday we will test you to see if you are truly ready for that. And okay, that was good. Let's check the bin. यहाँ पर कुछ नहीं है and यहाँ पर कुछ photos वगैरह भी है but we can't interact with them. So let's just quickly head out and देखते हैं कि क्या कुछ और भी है बाहर चल रहा, because I'm sure अगर ये कोई story जैसा है तो it's going to be connected for sure. ये रहा, शायद ये पुलिस है जिन्होंने टीम प्लाज्मा को कैप्चर कर लिया है। एंड ओ प्रोफेसर जूनिपर इज ऑल्सो हियर। Thanks to you, DSP, this group that was up to no good has been captured. Victini is a mythical Pokemon that is said to radiate energy from its body. When Pokemon or people came into contact with that energy, it fills up their bodies, and they exhibit more energy than usual. That's why there was no end to the people who wanted to use Victini for their own evil ends. I'm sure the rich person who built this underground room for Victini was sincerely trying to help it. But I think shutting the poor thing up in the room was a mistake. Thanks to you, Victini has a new destiny that does not involve being used in a Team Plasma scheme. Make sure no one misuses Victini's power is now your duty. Also,
In the Unova Pokédex, Victini was assigned a special number 0. I've heard that this special number was assigned in the hope that Victini's power to bring victory would be shared with the trainer who traveled with the Pokédex. Okay. हाँ ठीक है, ये बात शायद मैंने एक फैक्ट में भी बताई थी दैट विक्टिनी का पोकीडेक्स नंबर यूनोवा पोकीडेक्स में 0 है, विच इज रियली गुड एंड लगता है कि यहाँ पर और कुछ चल रहा है। आई कैन बिलीव इट व्हेन पीपल आर लेड अस्ट्रे बाय पोकेमॉन्स असाउंडिंग एबिलिटीज एंड ट्राई टू मिसयूज देम, बट इट्स ओनली व्हेन वी फेस पोकेमॉन विद अ गुड हार्ट दैट वी कैन मेक अ ब्राइटर फ्यूचर। एंड विद दैट आई थिंक ये स्टोरी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई मीन इट वॉज गुड एंड Let's just check the bins. Oh, Ultra Ball. भाई और कुछ है क्या bins में? I mean, let's just check. But okay, that was good. And I think it was really fun. हमने finally capture कर लिया है Victini को. और next episode में हम capture करेंगे किसी और legendary Pokemon को. Well, देखते हैं कि किसे हम capture कर पाते हैं. But it was really fun. So I hope आपको ये video पसंद आई होगी. And अगर आपको ये video पसंद आई है, then be sure to hit that like button. और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।